नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। टोक्यो ओलंपिक में धमाल मचाने वाले नीरज चोपड़ा के आगमन की तैयारी पूरे गांव में चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। ये लाइव तस्वीरें उसी के गांव से हम आपको दिखा रहे हैं कि टेंट, छोटा सा टेंट की शुरुआत अभी हो गई है। घर के बाहर टेंट लगा दिया गया है और मिठाइयाँ जो उसके आगमन के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बड़े स्तर पर हलवाई यहाँ पर बुलाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सामान लड्डू यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, अंदर आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीर कि कैसे नीरज चोपड़ा के गांव में आगमन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, किस तरह से जोश गांव के लोगों में देखने को मिल रहा है। इन तैयारियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, किस बड़े स्तर पर नीरज चोपड़ा के आगमन की तैयारियां चल रही हैं और कितने बड़े लेवल पर उनका स्वागत। पानीपत के छोटे से गांव खंडरा से निकलकर उन्होंने जो गोल्ड मेडल हासिल किया है उसके आगमन की ये तैयारियां इस वक्त लाइव चल रही हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह के तरीके से उसके स्वागत के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा के गांव से। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि नीरज चोपड़ा, जो हमें सूचना मिल रही है 17 या 18, इन दो दिनों में से प्रोग्राम तय होना है, अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन उसके आगमन की तैयारियां लगातार वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। हम आपको बता दें कि पूरा गांव इंतजार कर रहा है उस लाल को देखने के लिए कि कब नीरज चोपड़ा यहां पर पहुंचेंगे, उसका स्वागत जोर शोर से किया जाएगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको इस को लेकर तमाम अपडेट्स आपको यहाँ मौजूद लोगों से भी हम आपको बातचीत करवाएंगे और तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि नीरज चोपड़ा की किस तरह से यहाँ पर स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से स्वागत नीरज चोपड़ा का गांव में किया जाएगा। वीडियो को साथ के साथ आप करते रहिएगा। यहाँ पर लड्डू जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ कुछ हलवाई हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। कब से ये काम शुरू हो रखा है? आज सुबह से। कितने लड्डू बनने की यहाँ पर आपको बोला गया है? कितने? 50 क्विंटल। 50 क्विंटल। 50 क्विंटल कब तक तैयार हो जाएंगे? 17 तक। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, थोड़ी जानकारी दीजिए, कितना लड्डू यहाँ पर बनवाया जाना है? 50 क्विंटल तैयार होगा। 50 क्विंटल कब तक तैयार कर लेंगे? 17 तारीख तक। 17 तारीख को आगमन होगा नीरज चोपड़ा का? 17 तारीख को। 17 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा, अभी फाइनल अभी हुआ नहीं है। नहीं, तो बड़े स्तर पर 50 क्विंटल लड्डू बनाया जाएगा। इसके अलावा भी कोई और मिठाई बनाई जाएगी? रसगुल्ले बनाएंगे, गुलाब जामुन बनाएंगे, सारी जलेबियाँ बनाएंगे देसी घी की। लड्डू क्या देसी घी से बनाया जा रहा है? लाल डाका बनाया जा रहा है। अच्छा, तो हम आपको तमाम अपडेट दे दें कि पानीपत के गांव खंडरा में नीरज चोपड़ा के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से, स्वागत की तैयारियां यहां पर चल रही हैं। 50 क्विंटल लड्डू की जो है वो यहां पर बनाया जाएगा। 50 क्विंटल लड्डू बनाने का ऑर्डर यहां पर हुआ है। ये उसी के गांव के एक जगह है जहां पर इस तरह से तैयारियां चल रही हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लड्डू बनाए जा रहे हैं 50 क्विंटल, और हम आपको बता दें कि रसगुल्ले भी बनाए जाएंगे, देसी घी की जलेबियां भी बनाई जाएंगी, और पूरे गांव का इसमें निमंत्रण रहेगा। पूरे गांव ने जैसे पूरे जोश से पूरा जश्न इसका मनाया था, नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल उन्होंने दिलाया था, पूरा गांव यहां पर मैच देखने के लिए भी आया था, और लगातार जो बाहर से राजनेता, सामाजिक संस्थाएं और तमाम जो लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं उन सबको यहाँ पर निमंत्रण है और वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो है उसका हार्दिक स्वागत नीरज चोपड़ा का किया जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना लड्डू बनाने? जी आ जाइए सर, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ आपको ऑर्डर हुआ है, कितना भव्य आयोजन होगा? 50 क्विंटल लड्डू बनाने हैं जी, और 20,000 लोगों का खाना बनाना जी। 20,000 लोगों का जी। क्या क्या उसमें रहेगा, कुछ मेन्यू आपको दिया गया? बिल्कुल दिया गया जी। खाने में मीठे में तो गुलाब जामुन और जलेबी है जी, और 4 सब्जियां, दही चावल है, रोटी है, तंदूर वाले जी, मिस्सी नान। कुछ आपको ये भी आइडिया दिया गया है कि नीरज चोपड़ा कब तक पहुंच जाएंगे, कुछ आपको आइडिया दिया गया? 17 या 18 तारीख तक जी। जी 17 या 18, सस्पेंस अभी भी बाकी है क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, क्योंकि लगातार नीरज चोपड़ा के जो है अभिनंदन की, उनके स्वागत की जगह जगह से खबरें आ रही हैं। लगातार राजनेता उसका स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं,
गृहमंत्री अनिल विज खुद यहां पर आए थे, विधायक यहां पर आए थे, लगातार जहां वो अपनी आर्मी में भी गए थे, जहां पर वो सूबेदार हैं वहां अपने बड़े अधिकारियों से भी वो वहां पर मिले थे, लगातार जो है नीरज चोपड़ा का स्वागत किया जा रहा है। और ये तैयारियां इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो बड़े स्केल पर तैयारियां की जा रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं खडरा गांव से। वीडियो को आप शेयर करते रहिए। जानकारी हमें मिली है कि 20,000, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आयोजन होगा, 20,000 लोगों को यहां पर जो है 20,000 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर हुआ है। 17 या 18 अभी फाइनल नहीं है, डिसीजन फाइनल नहीं है, 17 या 18 को नीरज यहां पर पहुंच सकते हैं और उसके आयोजन की, उसके स्वागत की यहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वीडियो को साथ के साथ आप शेयर करते रहिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। और एक बार फिर नीरज चोपड़ा को आप कमेंट करके बधाई दीजिएगा क्योंकि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। 121 साल का जो सूखा देश में पड़ा हुआ था गोल्ड मेडल को लेकर, उस सूखे को नीरज चोपड़ा ने खत्म किया है। हालांकि 7 मेडल देश को ओलंपिक में मिले जिसमें सिल्वर मेडल भी हमारे झोली में आए, ब्रॉन्ज मेडल भी आए, लेकिन सिंगल एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को ही मिला। वो पानीपत के लाल हैं, पानीपत जिले के रहने वाले हैं, खंडरा गांव के रहने वाले हैं। बड़ा आयोजन उसके स्वागत के लिए यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लड्डू अभी बनाया जा रहा है, आज सुबह से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। रसगुल्ले भी बनाए जाएंगे, 4 सब्जियों के ऑर्डर हुए हैं और 20,000 लोगों का खाना बनना है। रायता वगैरह हर तरह की वैरायटी इसमें रखी गई है। ये किसी शादी तो हम कह ही नहीं सकते, शादी में तो इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता। 20,000 लोगों का खाना शायद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था 20,000 लोगों का खाना बनते हो। शादियों में हम भी गए हैं, बड़ी बड़ी शादियों में गए हैं, लेकिन 20,000 लोगों का खाना पहली बार हम भी देख रहे हैं और कितना बड़ा आयोजन होगा उसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये कार्यक्रम ग्रामीण गांव के लोगों के लिए होगा क्योंकि लगातार नीरज का राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं वो स्वागत कर चुकी हैं, उन्हीं कार्यक्रमों को पहले निपटाया जाएगा। परिजनों से हमने बातचीत की थी, उनका कहना है कि ये सिर्फ गांव वालों के लिए प्रोग्राम होगा क्योंकि गाँव वालों का उनका लगातार पूरा सहयोग रहा है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। जश्न लगातार मनाया जा रहा है, पूरा सहयोग गांव का रहा है। इससे पहले भी जितनी बार गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, एशियन गेम की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, हर गेम में गांव वालों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, परिवार का सपोर्ट रहा है। इसलिए ये खास तौर पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि गाँव के लोग ही बिल्कुल इंतजार में है कब नीरज चोपड़ा गाँव में पहुँचेगा और भव्य स्वागत उनका किया जाएगा, बड़ा कार्यक्रम होगा। हम आपको जानकारी देते हैं कि नीरज चोपड़ा जो है वो 17 या 18 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे और उसी की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। लड्डू सुबह से बनाए जा रहे हैं, 50 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर हुआ है लगातार। जिस दिन से टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है, लगातार यहाँ पर लड्डू खिलाए जा रहे हैं, उसी दिन से लड्डू बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब उस बड़े प्रोग्राम के लिए 50 क्विंटल लड्डू का जो है ऑर्डर हुआ है और रसगुल्ले बनाए जाएंगे, 4 सब्जियाँ बनाई जाएंगी, तरह तरह के व्यंजन उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार किए गए हैं और 20,000 लोगों का खाना बनाया जा रहा है। हम आपको एक बार फिर निवेदन करते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लाल 17 या 18 को नीरज चोपड़ा जिसने देश का नाम रोशन किया वो यहां पर पहुंचे और आप वो सभी जानकारी ले सकें, वो सभी जानकारी दूसरों को बता सकें कि कितने बड़े स्तर पर नीरज चोपड़ा के जो स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहयोगी के साथ, मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।